हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेरिकन ट्रक सिम्युलेटर। इस एपिसोड में हम सैन राफेल को एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें सेंट्रल अमेरिका में कहाँ पे जाने का मौका मिलता है। तो लास्ट टाइम हमने काफ़ी बड़ा ट्रेलर पिक किया था, आई थिंक हैवी कार्गो का था। हम यहाँ पे सैन राफेल में हैं, तो या तो हम अभी ये पार्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं या तो फिर हम जल्दी से एक फ्रेट मार्केट की जॉब उठाते हैं एंड होपफुली ये वाला पार्ट एक्सप्लोर करते हैं ऊपर जाने से पहले। ऊपर मैंने फिर नोटिस किया मैप में कि काल इज बैड, हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, तो आई थिंक वो कभी फ्यूचर में हम क्विक जॉब करके पूरी कर लेंगे। तो अभी हम ये स्ट्रेच जो है इसे कंप्लीट करते हैं एंड इसके बाद धीरे धीरे नॉर्थ जाके ये पार्ट एक्सप्लोर कर लेंगे। अभी हमने 7.60% एक्सप्लोर करा हुआ है, तो अभी टाइम है। सो अब जल्दी से हम जाते हैं जॉब मार्केट, फ्रेट मार्केट, और हम हैं सैन राफेल में। यहाँ पे हाईएस्ट पेइंग जॉब देखते हैं, ये हमें $25.65 पर किलोमीटर दे रहा है। इसमें डिगर है 500 जो कि 7 टन का है सैन राफेल से सेंटा क्रूज, और ये आता है हमारा हाई वैल्यू कार्गो में बिटुमेन से बिटुमेन। एंड इसके बाद तो हाई एक ओके ये है एक जो है ट्रैक्टर 13 टन का, ये जाएगा सैन राफेल से ह्यूरॉन, तो ये हमें 25.64 दे रहा है, मतलब 1 सेंट कम है यहाँ से, सिमिलर ही है। लेकिन आई थिंक हम अगर ये वाला सेंटा क्रूज जाते हैं तो यहाँ से हमें आगे कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाएगी, फ्रेजनो, ह्यूरॉन, ओकलैंड, सैन फ्रांसिस्को, सैक्रामेंटो, सब जगह। इसके नेक्स्ट पेज में अगर हम देखें तो कम ही है इससे, 23.78 रोड रोलर, तो ये 358 किलोमीटर से काफ़ी दूर है, फ्रेजनो डायरेक्ट जा रहा है, तो अभी हम ये नहीं लेते हैं। मेरे हिसाब से अब हम लेके जाएंगे डिगर 507 टन्स का। GPS हो गया सेट, एक बार हम देखते हैं कि हमारा लास्ट ट्रेलर क्या था। ओके, ओवरसाइज लोड था हमारा, तो जर्नी स्टार्ट करते हैं। आई थिंक हमने पास में जाना है, अराउंड 42 किलोमीटर्स, ऐसे पास तो नहीं है ये, ऐसे पेट्रोल भी ख़त्म हो रहा है, तो एक बार चेक करते हैं यहाँ क्या प्राइस है। डू नॉट एंटर लिखा है, लेकिन अब हम क्रॉस कर चुके हैं तो हमारा जाना ज़रूरी है इधर। $1.04 रेगुलर का भरवा लेते हैं, $200 का। ये हो गया 192 लीटर के करीब। एक बार देखते हैं कहीं हमारे ड्राइवर थक तो नहीं गया, 6 घंटे में नेक्स्ट रेस्ट स्टॉप है, सो हमारे पास टाइम है काफी। बस हमारी जॉब ऑफर एक्सपायर ना हो जाए। सैन राफेल में ही है वो एरिया, तो होपफुली हम जल्दी क्रॉस कर देंगे। आई थिंक 1 घंटा के अराउंड था जितने में वो ऑफर एक्सपायर हो जाएगी, और हम तो वैसे भी स्पीड लिमिटर्स ऑफ में चला रहे हैं, तो हमें कोई चिंता नहीं है इसकी। तो जैसे मैंने सोचा था, मुझे बताया भी था देव ने, बोला था कि ऐसा करो 5 वीडियो यूरो ट्रक की डाल दो और 5 वीडियो अमेरिकन ट्रक की डाल दो, तो मुझे वो सही लॉजिकल लगा, मैं वही कर रहा हूँ, 5 वीडियो इसकी और 5 वीडियो उसकी।
अगर आपको कोई चेंज चाहिए तो ज़रूर बताना मुझे, एंड मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ आपके लिए। बिटुमिन हमारा एरिया आ गया, एंड हमारा ट्रेलर भी कहीं आसपास ही रखा होगा ट्रैक्टर्स का। एंटर दबाया, फ्रेट मार्केट, एंड ये रडिगर। 215 किलोमीटर की जर्नी होगी ये। ये हो गया अटैच्ड। वाओ, ये आ गए हम अपनी लेन में। काफी अच्छा रास्ता लग रहा है ये। आई थिंक इसको मैं एक्सटीरियर में ही चलाना प्रेफर करूंगा। स्पीड लिमिट 50 कुछ की रखी थी और अभी हम 96 पे चला रहे हैं। आई थिंक ये सैन फ्रांसिस्को का मशहूर ब्रिज है, गोल्डन गेट, गोल्डन ब्रिज, समथिंग लाइक दैट। एक बार हम मैप में जीपीएस में चेक करते हैं। ओके, हाँ, सैन फ्रांसिस्को के ये एरिया आ रहा है, इसका मतलब है ये वही है। वेरी नाइस। लेफ्ट में आप देख सकते हैं प्लेन्स जा रहे हैं, प्लेन्स। वाओ, एंड सैन फ्रांसिस्को हो गया डिस्कवर। हम यहां से जाके देखते हैं। ईट हो लिए, काफी सिंपल था ये। ई टोल से क्या हुआ, ऑटोमेटिकली वो चार्ज हो जाता है, जैसे हमारे फास्ट टैग होता है शायद इंडिया में, जो हम कार्स पे लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें रुकना पड़ता है क्योंकि सब बहुत लोग होते हैं जो कि फास्ट टैग के मेंबर्स नहीं होते हैं या फिर उनका बैलेंस फुल नहीं होता है, तो उनको मैनुअली चेक करना पड़ता है। एक्चुअली वहाँ पे रोड क्या कहते हैं, ट्रैफिक कम होता है, तो इस चक्कर में बहुत लोग फास्टैग वाली लेन में घुस जाते हैं और उनको पता नहीं होता कि यहाँ पे सिर्फ फास्टैग वाले मेंबर्स अलाउड हैं, या फिर लोग चलाकी करते हैं, वी डोंट नो।
ओके, यहाँ सोलर पैनल्स दिख रहे हैं मुझे राइट साइड में। वाओ, हमने आई थिंक थोड़ा उस गाड़ी को भी ठोक दिया। ट्रैफिक कलिजन की आवाज़ नहीं आई, डैमेज भी नहीं दिखा रहा, बच गया हम। आई थिंक सैन फ्रांसिस्को में हमेशा इतना ट्रैफिक रहता है, तो उसके वजह से इन्होंने इस गेम में यहाँ पे ट्रैफिक को काफ़ी इंक्रीज कर दिया है। इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, तो हमें भी अब 50 किलोमीटर की स्पीड से चलना पड़ रहा है, ये फ्री वे नहीं है। और यहाँ हम ओवरटेक भी नहीं कर सकते। आई थिंक ये ट्रैम के रोड रूट है। हाँ, ये ट्रैम का था पाथ। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ तो। जहाँ देखो रेड लाइट्स ही रेड लाइट्स।
यहाँ का डायवर्जन है, लिखा है रोड वर्क अहेड एंड आई थिंक हमने लेफ्ट वाली लेन में रहना है। 35 की स्पीड लिमिट। काफी रूट ट्रैफिक है यहाँ पे। किसी ना किसी तरीके से हमें यहाँ से निकालना जरूरी था, वरना तो ये लेन तो पता नहीं कब तक चलती रहती। काफी अच्छा मैप है ये भी। फ्रेम्स का थोड़ा बहुत ज़्यादा इशू है। मेरी करंट जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके बेसिस पे तो बीच में सिटी में 38 फ्रेम्स तक चला गया था, तो जो 60 फ्रेम्स का जो गेम प्ले है ना वो यहाँ पे नहीं मिल पाता, वो हमें ये हाईवेज पे ही मिलेगा। अगर आप कंपेयर करेंगे तो अभी जो गेम प्ले होगा वो थोड़ा स्मूथ होगा एज कम्पेयर टू सिटी में जहाँ पे रेड लाइट्स थी। ये है एक चीज़। एंड आपने देखा वो ट्रक आगे, देखो ट्रैफिक अपने आप ही अपीयर होना शुरू हो रहा है। लाइक ये ट्रक और ये जो गाड़ी थी ये पहले यहाँ थी नहीं, आप रिवर्स रिवाइंड करके देख सकते हैं। हमारा डेस्टिनेशन भी आ गई सांता क्रूज। एंड हमारे ड्राइवर को आ रही है नींद। सांता क्रूज हो गया डिस्कवर्ड। एक्सीलेंट, डिगर 500 डिलीवर हो गए सैन राफेल टू सांता क्रूज। हमें इसका मिला $6,115, 269 XP और लेवल 5 पे हैं अभी तक हम। एंथुजियास्ट, रेटिंग हमारी 4.2 है, नॉट बैड एट ऑल। एंड लोन का क्या स्टेटस है, अभी तक सिर्फ एक ही हमारा रीपेमेंट हुई है, $1,800 पर डे, नॉट बैड। इसमें हाई पेइंग जॉब्स हैं क्योंकि मैंने इसमें स्केल्स में सब हाई वैल्यू कार्गो पे रखा हुआ है, इसके वजह से हमें महंगा से महंगा जो होती है डिलीवरी और मैक्सिमम प्राइस मिलता है। सो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करें नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।